एक व्यवहार है, दूसरा परमार्थ है। दोनों पहलुओं को अच्छी तरह से समझने की जरूरत है। व्यवहार जिसका परिशुद्ध है और परमार्थ लाभ है। परमार्थ है आत्म शांति। प्राणी, पदार्थ और परिस्थिति, इन तीन में हो करके इंसान गुजरता है और इनमें विकार पैदा होता है। शरीर अपना विकारी, मन विकारी, इंद्रियां विकारी, बाहर के प्राणी पदार्थों के द्वंद में और विकार की संभावना, इतने सारे कुसंग में रहकर इसको शुद्ध करना, ये बहुत बड़ी बात है। काजर ही की कोठरी, काजर ही का कोट, तोदी कारी ना भई रोट। सदगुरु कबीर ने बीजक में कहा, काज शरीर है, काजर का कोट किला ये संसार है, और इसमें रह करके न हो, ओट ओट आधार आधार में रह जाए वो धन्य। काजर केरी कोठरी बुढ़ता है संसार, बलिहारी पैट के निकरन हार। काजर की कोठरी में सारा संसार डूबता है, जे इसमें पैट के निकल आया निदाग। काजर की कोठरी, काजर का किला संसार, तोदीकारी ना हुई। तोदी कहते हैं उंगली को, ये उंगली इसका अगला भाग जो कोमल वाला भाग है, आगे वाला इसको तो आदमी कहीं जाता है तो पहले उंगली लगा देता है, ये क्या, तो उंगली गंदी हो जाती है। लेकिन जिसकी उंगली का तोदी अगला भाग भी ना गंदा हो तो धन्य। तोदी से अभिप्राय पेट, और पेट से अभिप्राय मन, मन जिसका मैला ना हो। देहाती लोग कहते हैं कि अमुक आदमी भले मीठी मीठी बात करता है लेकिन उसका पेट ठीक नहीं। तो पेट ठीक नहीं इसका मतलब नहीं कि दस्त हो रहा है, उसका लाक्षणिक अर्थ है मन खराब है। मन खराब ना हो ये हमारी साधना का फल है। प्राणी पदार्थ परिस्थित मिलते हैं, इनमें द्वंद आता है, विकार आता है। कोई प्राणी सम्मान कर दिया तो फुलावा का विकार आता है। फुलावा भी विकार है, हर्ष भी विकार है। कोई अपमान कर दिया तो शोक आ गया, शोक विकार है, अमर्ष विकार है। और इन विकारों में इंसान निरंतर पीड़ित रहता है। सब जीव दुखी है, निर्धन दुखी है, धनवान दुखी, अशिक्षित दुखी है, शिक्षित दुखी, चपरासी दुखी है, गवर्नर दुखी है, प्रधानमंत्री बेचारा और दुखी है, गृहस्थ दुखी है, वेशधारी भी दुखी है। अगर वेश केवल है, साधना नहीं है, तो वेश क्या करेगा, साधु का वेश क्या करेगा। अनादिकाल का कोढ़ है अविद्या, सबके मन में अविद्या, अज्ञान, मोह, राग, जिसको मोटे रूप में कहें, ये अनादिकाल का कोढ़ है। इस मोह के कारण इंसान इंद्री मन को लंपट करता है, और उसकी लंपटता में विकार बनते हैं मन के और अधिक। और मन के विकार जितने इकट्ठे होते हैं उतनी पीड़ा बढ़ती है। दुनिया की हविस, अनेक ख्वाहिशें,
भोगों की ख्वाहिशें जितनी बढ़ेंगी पाप उतना बढ़ेगा, मनुष्यों के साथ में सुंदर व्यवहार उतना घटेगा। श्री राम और भरत का बंधुत्व इसीलिए रहा क्योंकि दोनों ने लोभ त्याग दिया राज्य का। श्री राम को राज्य मिला लेकिन फिर लौटाया गया, पहले कहा गया था गद्दी हो जाएगी, फिर 14 वर्ष का वनवास। तो उसमें वह व्याकुल नहीं हुए। वाल्मीकि रामायण में आया है कि राम को शोक नहीं हुआ। भरत को दिया गया, भरत ने स्वीकार नहीं किया। दोनों ने त्याग प्रदर्शित किया तो उत्तम आदर्श स्थापित हुआ। इसके उल्टा कौरव पांडव में हुआ, दोनों राज्य चाहे और उसी छीना झपटी में जो युद्ध हुआ, जो विनाश हुआ, कितनी अतिशयोक्ति है, कितनी यथार्थता है। लेकिन गलत आदर्श का एक नमूना, दो महाकाव्य हमारे देश के हैं, रामायण भ्रातृत्व का और महाभारत भ्रातघाती युद्ध का महाकाव्य। यद्यपि महाभारत में ज्ञान की बहुत बातें, गीता उसी में, महाभारत में बहुत ज्ञान की बातें, लेकिन जो महाभारत का सार है वो है भ्रातृत्व, भ्रातघाती युद्ध। और रामायण का सार है भ्रातृत्व, भाईचारे का सुंदर वर्ताव। त्याग से ही सुंदर वर्ताव संभव है। पति पत्नी में कटुता इसीलिए आती है क्योंकि पति बहुत कामना वाला या पत्नी बहुत कामना वाली, ख्वाहिशें पूरी नहीं होती हैं तो आपस में टूटन होती है। एक साथ रहते हुए भी जलते रहते हैं, एक दूसरे की बुराई में लगे रहते हैं, पीड़ित रहते हैं। नाना कामनाएं अगर पत्नी के मन में है, पति कहां से संतुष्ट कर पाएगा? और पति की कामनाएं लंबी लंबी हैं, पत्नी कितनी सेवा कर पाएगी? पूज्य बन करके बैठ जाने में कुछ लगता है? सबसे सेवक धर्म कठोरा, ये भरत जी ने कहा जब वे रथ छोड़ करके पैदल चलने लगे, श्री राम के से मिलने चित्रकूट जा रहे थे तो लोग कहे कि बैठ लीजिए, घोड़े पर बैठ लीजिए, रथ में बैठ लीजिए। तो उन्होंने कहा सिर भर जाऊं, सिर भर जाऊं उचित असमोरा, सबसे सेवक धर्म कठोरा। सिर के बल मुझे जाना चाहिए था लेकिन वैसा नहीं कर सकता, सेवक धर्म सबसे कठोर है, पूज्य बनकर के बैठ जाने में क्या लगता है? सेवक धर्म कठोर है। तो पत्नी की ख्वाहिश, पति की ख्वाहिश, पिता की ख्वाहिश, पुत्र की ख्वाहिश, भाई की ख्वाहिश, गुरु की ख्वाहिश, शिष्य की ख्वाहिश, कहीं भी संबंध में संबंध को विकार ग्रस्त करती है ख्वाहिश। और जितनी ख्वाहिशें हैं इस ढंग की वो कल्याणकारी नहीं। अपनी इच्छाओं को देखने की जरूरत है। इच्छा और आवश्यकता ये दो चीजें हैं, दो भावनाएं, दो स्थितियां। आवश्यकता की पूर्ति अपने आप होती है और इच्छा की पूर्ति कभी पूरी नहीं हो सकती, थोड़ी मोड़ी होती है बस, फिर अधूरी रह जाती है। इच्छा की निवृत्त होती है, पूर्ति नहीं, और आवश्यकता की पूर्ति होती है। कड़ी भूख लगी है, जरूर भोजन मिल जाएगा, आप हाथ पैर मारते रहिए जहां रहिए तहां, निकम्मा न रहे, आलसी न रहे। आलसी और निकम्मे का भी पेट भरता है लेकिन वो अच्छा नहीं,
परिश्रमी रहे, और जठर ज्वाला में जरूर कुछ खाद्य सामग्री छोड़ने को मिलेगी, तन पर कुछ कपड़े मिल जाएंगे और सोने की जगह मिल जाएगी, आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है, इच्छा की पूर्ति नहीं होती, इच्छा की निवृत्त होती, इच्छा को हम छोड़ सकते हैं, इच्छा को पूरी नहीं कर सकते। जहां पूरी लगती है वो एकाएक लगती है, फिर एक इच्छा पूरी होने पर अनेक इच्छाएं खड़ी हो जाती हैं, और इच्छा के जाल में आदमी भटकता रहता है। जन्म मरण का प्रवाह ये इच्छा और तृष्णा के कारण ही है, और जन्म मरण के प्रवाह को छोड़ दो, इस जीवन में देख लो अनुभव करके, इच्छा के वसी आदमी नाचता रहता है और इच्छा पर संयम करने वाला संतुष्ट रहता है। हम जिन प्राणी पदार्थ और परिस्थितियों में होकर के गुजरते हैं, उनमें अगर हमारे जीवन में समरसता नहीं है तो सुख नहीं है। पत्नी से सुंदर बर्ताव नहीं, पति से सुंदर बर्ताव नहीं, माँ बाप से सुंदर बर्ताव नहीं, संतान से सुंदर बर्ताव नहीं, पड़ोसी से सुंदर बर्ताव नहीं, कैसे सुख शांति होगी? बर्ताव प्राणी पदार्थों में, प्राणियों का बर्ताव जटिल है, पदार्थों का उतना जटिल नहीं। रुपए पैसे गहने बर्तन कपड़े तमाम दुनिया की चीजें आप ताला के अंदर रख सकते हैं, लेकिन एक छोटे बच्चे को ताले के अंदर में नहीं रख सकते हैं। वो रो रो करके आपको परेशान कर देगा। मनुष्य का व्यवहार बहुत जटिल होता है, जानवरों का व्यवहार जो प्राणी है उनका भी जटिल नहीं है। आप 1000 घोड़े रख लीजिए, 1000 हाथी रख लीजिए, 1000 गाय वैसे रख लीजिए, खाने पीने के प्रबंध उनकी व्यवस्था देह की हो जाए और कुछ चिंता नहीं, उनमें राग द्वेष होने कोई बात नहीं है। उनके मन को देखना नहीं पड़ेगा कि बैल का मन कैसा है, हाथी का मन कैसा है, भोजन दो, पानी दो, आवाज दो, रक्षा करो, बस कोई चिंता नहीं। लेकिन मनुष्य का एक छोटा बच्चा पालना बहुत मुश्किल है। मनुष्य की जो इच्छाएं कामनाएं वो बहुत परेशान उसे करती है, इसीलिए संबंध में क्लेश होता है। जहां विवेक है अगले को भी विवेक है, वहां क्लेश नहीं होता। समता का बर्ताव, प्रेम पाठ का चोलना पहिर कबीरू नाच, पानिप दिनो तास को जो तनमन बोले साच। साहब कहते हैं प्रेम पाठ का चोलना पहन करके नाचो, प्रेम का पाठ तो होता ही नहीं है। इलाहाबाद में बड़ी 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 कपड़े की दुकान पर आप जाएं, कहें भाई प्रेम का कपड़ा दे दीजिए तो कोई क्या देगा। साहब कहते प्रेम पाठ का चोलना पहिर कबीरू नाच। अय कबीरू, अय लोगों, अपने को अन्य पुरुष के रूप में रख करके पूरी जनता को कहते हैं, अय लोगों प्रेम का कपड़ा ले आओ, उसका अगरखा बनवा लो। चोलना, चोलना जो गले से पैर तक होता है, ये साधुओं की अल्फी आल्फा, प्रेम पाठ का चोलना पहिर कबीरू नाच, इसका लाक्षणिक अर्थ है सारा काम प्रेम पूर्वक करो, जीवन प्रेममय हो जाए कोई क्लेश नहीं। दुकान पर बैठो, जितने ग्राहक आए प्रेम का बर्ताव करो, समझो ये भगवान भगवती और देवी देवता आए हैं, तो उन्हें ठगने की जरूरत नहीं होगी, धोखा नहीं देने की जरूरत होगी, उचित मुनाफा लो, उनकी सेवा करो, अब आपकी भी सेवा होगी। अगर आदमी दूसरे को ठगे बिना रहे तो जीवन गुजर होगा और बहुत सुख से रहेगा। दूसरे को ठगने में हमें विश्वास है, हम आपको ठगते आप हमें ठगते हैं, एक दूसरे को ठगने में लगे, धार्मिक लोग भी ठगते हैं,
चमत्कारी बातें करके ठगना ही है। जितनी चमत्कारी बातें कही जाती हैं वो ठगने के लिए वर्गलाया जाता है, बौद्धिक शोषण किया जाता है, आदमी के मन में भ्रम डाला जाता है। एक ने एक से कहा, महाराज परेशानी हमारे घर में बहुत है, व्यापार भी घट गया है, आमदनी घट गई है, लड़के बीमार रहते हैं। तो उन्होंने आँख मूंद करके कहा, हाँ तुम्हारे घर में बहुत पहले जब ये मकान बना था, नहीं बना था, इस जमीन में एक हत्या हो गई थी, वही वो शैतान बन करके रहता है, वही तकलीफ देता है, और इसलिए भाई उसके लिए उपाय करना पड़ेगा। तो देखा जाता है कि आदमी कैसा है। अगर धनी है तो ज्यादा लंबी लिस्ट बनती है, सामान्य है तो छोटी लिस्ट बनती है। पहले उसको धोखा दिया जाता है, पहले बौद्धिक शोषण किया जाता, फिर आर्थिक किया जाता, शारीरिक तक किया जाता है। भूत प्रेत नाम की कोई चीज कहीं है ही नहीं, ये केवल भ्रम है। आप कहेंगे किताब में लिखा है, किताब में तो पता नहीं क्या क्या लिखा है। भूत प्रेत की बात वेद में भी है, अथर्व वेद में तो झाड़ फूक जंतर मंतर कुल है, लेकिन उसमें ज्ञान की भी बातें हैं, व्यवहार की बातें हैं। हमें निरक्षीर विवेकी होना पड़ेगा। वेद तो अब आ गया है, वेद क्या कहते हैं, ये लोग जितना अनुमान किए थे, जिल्द बनाए थे, दोपहर तक में ही खत्म हो गया। मैं जब यहां से जा रहा था दोपहर के बाद तो पूछा तो कहे खत्म है, वो फिर बन जाएगा, छपा है, जिल्द बन जाएगी। पूरा वेद आप पूरे चारों वेदों का भाव एक ही जिल्द में समझें, 121 संदर्भों में बताया गया है सब। वेद जो सबसे पुराना ग्रंथ केवल भारत का नहीं विश्व का है। मैक्स मूलर ने भी ऋग्वेद की भूमिका में इसको स्वीकारा है। ऋग्वेद के सायण भाष सहित ऋग्वेद पर उन्होंने काम किया और दो बार अपने जीवन में छपाया। दशम मंडल की भूमिका में शायद मुझे याद है, वहीं उन्होंने लिखा है, जो कुछ उन्होंने लिखा है इंग्लिश में लिखा है, लेकिन एक मंत्र उन्होंने वाल्मीकि रामायण से पाठांतर करके रखा है। इंग्लिश में जो वहां भाव है उसका अर्थ यह है कि दुनिया की प्राचीन पुस्तक और पुरानी बाइबिल से भी प्राचीन, दुनिया की प्राचीन पुस्तक वो न केवल आर्यों की, पूरी मानवता की है। और हम कह सकते हैं कि यावत अस्थासंत गिरे सत्यस्य मही तले तावत ऋग्वेद महिमा लोकेश प्रचरिष्यत। ये वाल्मीकि रामायण के बाल कांड में है, यावत अस्थासंत गिरे सत्यस्य मही तले तावत राम कथा लोकेश प्रचरिष्यत। तो राम कथा को उन्होंने ऋग्वेद महिमा कर दिया है। पंडित तो थे ही संस्कृत के अच्छे विद्वान। तो वेद पूरी दुनिया की पुरानी धरोहर है, जो बहुत बातें, बहुत काम की चीजें हैं, प्रपंच भी है, वर्तमान के अंधविश्वास भी है। इसीलिए कबीर साहब ने कभी नहीं कहा कि ग्रंथ को प्रमाण मानो, उन्होंने ग्रंथ को पढ़ने की राय दी और विचारने की राय दी। सुनिए सबकी निवेरी अपनी, सबकी सुनो और अपने विवेक से निर्णय लो। कोई ग्रंथ हो सब पर विचार कर, गुरु बोलता है, गुरु की बातों पर विचार करना कोई पाप नहीं। तो भूत प्रेत नाम की कोई चीज नहीं, केवल भ्रम है, जादू टोना कुछ नहीं, अंग फड़कने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये वायु विकार से फड़कता है। छूछा घड़ा देखने से कोई नुकसान नहीं है और भरा घड़ा देखने से कोई फायदा नहीं है। धोबी को देख करके मंगल नहीं होगा और तेली को देख करके अमंगल नहीं होगा। काना ब्राह्मण विधवा स्त्री देख करके बंटा ढार, केवल भ्रम है।
न मालूम कितने अंधविश्वास समाज में लदे, कोई छींक दिया अपशगुन हो गया, टोक दिया अपशगुन हो गया, दिशाशूल खूब जोर से लगता है, मंगल बुध उत्तर दिश काला, लेकिन मंगल बुध को भी इलाहाबाद से फैजाबाद बसे ट्रेनें छूटती हैं। अज्ञान से करने की दृष्टि से, दो दृष्टियों से अंधविश्वास फैला है। कई बातें तो अज्ञान से फैली है, फैलाने वाले बेचारे स्वयं क्षम में, उनको विवेक नहीं, और कई जगह तो ऐसा है वो जानते हैं कि ये कुछ नहीं है, दुनिया को धोखा देते हैं। चमत्कारी बातें जितनी सब दुनिया को धोखा देने के लिए है, चाहे वो किसी के साथ जुड़ी हो। दुनिया के बड़े बड़े पुरुष जो कहलाने वाले हैं, नाम कहाँ तक लिया जाए, जिस किसी के भी नाम से अगर चमत्कारी बातें जुड़ी हैं तो ये भक्तों की लीला है, भक्तों ने सब गड़बड़ाया। इंद्र वेद का सबसे बड़ा देवता है, ऋग्वेद सबसे पुराना और बड़ा वेद है, ऋग्वेद में एक चौथाई में इंद्र की महिमा है, और काव्य ऐसा सुंदर है कि इंद्र का व्यक्तित्व निखर करके सामने आ गया है, और लगता है इंद्र कोई व्यक्ति है, महान बलवान देवता, युद्ध का देवता, लेकिन इंद्र नाम का कोई व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ है। इंद्र सूर्य एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति, एक सद को विप्र लोग अनेक ढंग से कहते, एक सद आदित्य उसी को इंद्र अग्नि इत्यादि कहा गया, यह वायव्य शक्ति है, विद्युत शक्ति है, प्राकृतिक शक्ति है इंद्र। ये वेदों को पढ़ने वाला अच्छी तरह से जान सकता है। वेद पर मैंने लंबा प्रकरण लिखा है, वेद क्या कहते हैं मैं। अब वेद में इंद्र की बड़ी महिमा थी, तो पीछे वाले जितने मत निकले सब इंद्र को झुकाने की चेष्टा किए। बौद्ध मत आज से 2500 वर्ष पुराना है, बौद्धों ने लिखा त्रिपिटक में, त्रिपिटक के अंदर है, जो त्रिपिटक है विनय पिटक, सुत्त पिटक, धम्म पिटक, एक एक पिटक में कई पुस्तकें, पिटक नाम पिटारी, और ये सब पाली भाषा में है। ये ईसा के जन्म के 10 वर्ष के पूर्व से लेकर 30 वर्ष पूर्व तक, या 40 समझ लो, कुल 20-30 वर्ष के अंदर में ये सब बने, यानी महात्मा बुद्ध के निधन के 500 वर्ष बाद। इसलिए उसमें नमक मिर्च भी खूब लगा है, महिमाएं चमत्कार। एक उदाहरण दूं, लिखा है कि महात्मा बुद्ध रात के प्रथम पहर में भिक्षुओं यानी साधुओं को उपदेश करते थे, दूसरे प्रहर में देवताओं को, स्वर्ग से देवता आते थे, तो बुद्ध की सेवा में आनंद रहते थे, भिक्षुओं के बैठने के लिए प्रबंध कर लेते थे, देवताओं को देख नहीं पाते थे तो तथागत स्वयं उसका प्रबंध बैठाने कर लेते थे। देवताओं का उपदेश कर दिए, देवता चले गए, तब इंद्र आया, तो इंद्र आया तो बड़े डरते डरते तथागत बुद्ध के दरवाजे पर पहुंचा, और दरवाजे का एक तरफ पल्ला पकड़ करके चिपक के खड़ा हो गया डर बस, क्योंकि जरा टाइम बेटाइम हो गया था। तो एक जक्षणी निकले, उसने कहा आप गलती किए, देर में आए, भगवान बुद्ध अब शयन में चले गए हैं, कल आइएगा, टाइम से आइए। तब वो बेचारा चला गया। वेद का इंद्र क्या समझते हो, वेद का बड़ा देवता इंद्र भगवान बुद्ध के सामने कांपता था। ये बौद्धों का अपना चक्कर है, तो हमारे गोस्वामी जी का कम चक्कर है, सुख आड़ ले भाग सठ, उन्होंने तो कहा इंद्र सठ है, सुखी हड्डी लेकर के भागने वाला कुत्ता है। पूरे मानस में उन्होंने इंद्र को बहुत गाली दी है। इंद्र की महिमा एक जगह की है, 1000 नेत्रों से वो राम सीता का विवाह देख रहा था, उसके शरीर में 1000 नेत्र थे। क्यों, कहानी आप जानते हैं, सुने होंगे, अहिल्या के साथ ने उसने खराब काम किया था,
तो श्राप हुआ तेरे शरीर में 1000 भग हो जाए। तो बहुत गिर गया बेचारा, तो क्षमा कर दिया गया तो वो 1000 नेत्र हो गया। ये सब विकृतियां वेद में आया है कि उसके 1000 नेत्र हैं, उसका अर्थ है सूर्य के 1000 किरणें वही उसके नेत्र हैं। इंद्र वेद में कहीं पतित नहीं है, इंद्र वायव्य शक्ति है, प्राकृतिक शक्ति है, लेकिन व्यक्तित्व तो उसमें निखरा है। वेदों का कोई देवता अनैतिक नहीं है, लेकिन पुराणों का देवता खूब अनैतिक बना दिया गया है। सभी लोगों ने इंद्र को घसीटा है, इंद्र को नीचा दिखाया है। वेद सबसे पहले है और वेद का बड़ा देवता है इंद्र। तुम क्या समझते हो तुम्हारा बड़ा देवता हमारे गुरु के सामने कांपता था, हमारे श्री राम के सामने हाथ जोड़े रहता था। वैष्णव कहते हैं शिव जी बेचारे गिड़गिड़ाते थे श्री राम के सामने, जब लंकापुरी से श्री राम जी चले हैं अयोध्या के लिए विजय करके, तो शिव जी आए हैं वो कहे हैं कि आपका जब राज्याभिषेक होगा तब मैं देखने आऊंगा। बहुत बेचारे दीन बन करके, जैसे कोई नाउबारी हो। वाल्मीकि रामायण में कहीं भी शिव जी राम के भक्त नहीं, राम शिव जी के भक्त हैं। वाल्मीकि रामायण में राम शिव जी के भक्त हैं, लेकिन शिव राम के भक्त नहीं। किंतु पूरे मानस में गोस्वामी जी ने शिव को राम का भक्त बनाया। ऐसे सब जगह की लीला है। पौराणिक कबीर पंथियों ने कहा कबीर का चेला, कबीर के चेले संसार के समस्त गणमान्य पुरुष हैं, राम कृष्ण हनुमान ईसा मूसा मोहम्मद, कौन उनका शिष्य नहीं है। रावण अहंकारी था, वो नहीं हुआ था, लेकिन मंदोदरी चेली हो गई थी। और इतना बढ़िया ग्रंथ है कबीर मंसूर, विशाल ग्रंथ, उसका लेखक परमानंद, वेद का उदाहरण, बाइबिल का उदाहरण, और इतना बुद्धिमान कि गजब। पहली बार जब मैं पढ़ा आश्चर्यचकित रह गया। जो कबीर साहब नहीं जानते हैं वह कबीर कबीरपंथी जानते हैं, जो श्री राम नहीं जानते वो श्री राम उपासक जानते हैं, जो महात्मा बुद्ध नहीं जानते वो बौद्ध जानते हैं। और इसी प्रकार नाम श्री कृष्ण का ले लो और का ले लो, जहां तक ले पाओ ले लो, अपने महापुरुषों के मुंह में डाल डाल करके लोगों ने निकाला है। गोस्वामी जी ने श्री राम से कहलवाया सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब सारी सृष्टि मुझे प्रिय क्योंकि सबको मैंने ही बनाया। वाल्मीकि के राम ये नहीं जानते कहीं भी, पूरी वाल्मीकि रामायण में श्री राम नहीं जानते हैं कि मैं दुनिया का मालिक हूं। लक्ष्मण भी नहीं जानते, सीता भी नहीं जानती, हनुमान जी भी नहीं जानते, भरत नहीं जानते, कोई नहीं जानता है। आत्मानम मानुषम मन्ने रामम दशरथात्मजम, ये राम के मुख से वाल्मीकि रामायण में कहलवाया गया। मैं मनुष्य हूं, मेरा नाम राम है, मैं दशरथ का लड़का हूं। गोस्वामी जी ने राम के मुख से ही राम को परमात्मा काला डाला है। कबीरपंथी पौराणिक कबीरपंथियों ने कबीर के मुख से ही कबीर को दुनिया का हर्ता कर्ता काला डाला है। श्री कृष्ण उपासकों ने श्री कृष्ण महाराज को दुनिया का हर्ता कर्ता काला डाला है। वेद में श्री कृष्ण हैं जो एक क्रांतिकारी, छांदोग्य उपनिषद में श्री कृष्ण हैं जो एक जिज्ञासु, घोर आंग्रस ने उनको ज्ञान दिया था। सांदीपनि, गर्गाचार्य, घोर आंग्रस, तीन गुरु थे उनके। गर्गाचार्य उनके परिवार के गुरु थे पुरोहित रूप में, सांदीपन शिक्षा गुरु थे, और घोर आंग्रस आध्यात्मिक गुरु थे, और जीवन यज्ञ का उपदेश उन्होंने दिया था श्री कृष्ण को।
आगे चल करके श्री कृष्ण के विषय में सब कहा गया। हर मत में, देश में, विदेश में, कहीं भी कोई देख लो, सब जगह चमत्कारी भावना, दैवी कल्पना, मनुष्य को मनुष्य नहीं रहने दिया गया, देवता गढ़ा गया, और देवता गढ़ा गया वहीं सांप्रदायिकता का जहर फैला, क्योंकि हमारा पुरुष देवता है और दूसरे पुरुष देवता नहीं, इसलिए मुक्ति गति और स्वर्ग हमारे यहां, दूसरे यहां नहीं, ये सब भ्रम। तो उदार बनने की जरूरत है। बौद्धिक शोषण धार्मिक लोग करते हैं, बौद्धिक शोषण करके फिर आर्थिक और शारीरिक भी करते हैं, लेकिन धर्म का यह लक्षण नहीं। न्याय की बात बताना धार्मिकों का कर्तव्य है। धर्म नियम है, पानी की शीतलता उसका धर्म है, आग की गर्मी उसका धर्म है, और पृथ्वी की कठोरता उसका धर्म है, वायु की कोमलता उसका धर्म है, आत्मा का ज्ञान उसका धर्म है, अपनी अंतरात्मा की कसौटी पर कस करके आचरण करना, धार्मिक जीवन बनाना, शील, करुणा, क्षमा, दया, संयम, त्याग, मन पर निगरानी, मन को विकारी न बनने दो, ये आपकी बहादुरी होगी। विकारी बना, दुखी बना, अगर सुख चाहते हो तो इसको विकारी न बनने दो, ये धर्म है। पूजा करना, नमाज पढ़ना, ये संप्रदाय की बात है, ये भी अच्छा है, उसी के लिए है कि मन निर्मल हो, और मन निर्मल ना हो तो पूजा नमाज का मतलब कुछ नहीं है। उससे बढ़कर के कि हमारा ही महापुरुष दुनिया का हर्ता करता है, या ईश्वर का दूत या अवतार है, और दूसरे का नहीं है, क्योंकि एक हो गए तो दूसरा कैसे होगा, यही गड़बड़ी आती है। धार्मिक लोग भटकाते हैं, धार्मिकों को ये भटकाना बंद करना चाहिए। ये घर जोड़ने की माया, हमारा पंथ बढ़े, हमारा समाज बढ़े, शिष्य परंपरा बढ़े, धन बढ़े, इसलिए जालसाजी की बात की जाती है। व्यापारी, वकील और राजनेता, ये तीनों अपनी झूठाई के लिए बदनाम है, और धार्मिक लोग अपनी झूठाई से प्रशंसित है। ये जितना झूठ बोले उतनी उनकी प्रशंसा होती है। लंबी चौड़ी बातें जो हैं, जो प्रकृति विरुद्ध है, सृष्टि क्रम विरुद्ध है, विश्व सत्ता के नियमों से विरुद्ध है, वो सारी बातें गलत है, वैसा कहीं नहीं होता। जितने महापुरुष दुनिया में हुए हैं सब केवल मनुष्य थे और कुछ नहीं थे, हम आप जैसे मनुष्य थे। उनकी प्रतिभाएं बड़ी थी, उन्होंने बड़ा काम किया, अपने देश काल परिस्थिति के अनुसार उन्होंने समाज को रास्ता दिखाया, वे सब हमारे सिर मुकुट है। मैंने कल भी कहा था, आज भी कहा, कल कहा था, परसों भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, श्रद्धा की समग्रता की जरूरत है। हम कबीर के अनुगामी हैं, कबीर प्यारे, श्री राम वैसे प्यारे, श्री कृष्ण वैसे प्यारे, हजरत मोहम्मद वैसे प्यारे, संत ईसा वैसे प्यारे, महात्मा बुद्ध, महावीर वैसे प्यारे, स्वामी दयानंद और विवेकानंद वैसे प्यारे, और ऐसे नाम कितने लिए जाएं, ये धरती के रत्न हैं, ये महापुरुष सभी प्यारे हैं। उनका देश अलग रहा, काल अलग रहा, परिस्थितियां अलग रहीं, और जैसी उनकी सूझबूझ रही उन्होंने समाज को सत प्रेरणा दी, उसमें आज जो फिट बैठे ग्रहण करें, न फिट बैठे छोड़ दें। लेकिन न फिट कोई बात बैठे किसी महापुरुष की, इसलिए वो महापुरुष ही को हम खारिज करें, श्रद्धा ही न रखें, ये बहुत गलत है। श्रद्धा की समग्रता की जरूरत है। और ये धार्मिक कहलाने वालों में महारोग है, श्रद्धा की समग्रता का तो नाम भी नहीं। अपना उन्होंने जिसको मान लिया उसके लिए हजार विशेषण,
और जिसको दूसरा माना उसको तो नरक में जाने की बात कहते हैं। केवल हमारे मत वाला स्वर्ग में जाएगा और दूसरे में सब नरक में जाएंगे। एक तो मैंने कल भी कहा था, दो सज्जन आकर के मुझे बताए, यही सुलेमसराय के आगे एक पादरी आए और कहे कि ईसा मसीह ही ईश्वर के पुत्र हैं, उनकी शरण में आएगा वही स्वर्ग जाएगा, बाकी सब नरक में जाएंगे, पहले के लोग सब नरक में जा चुके हैं। तो आए थे, वो डॉक्टर थे और शायद वकील थे, दो थे। तो कहे मैंने राम कृष्ण बुद्ध महावीर कबीर और कितने नाम लिए जाए, ये सब कहे वो सब नरक में गए, अब आज भी सब जाएंगे, जो ईसा की शरण में नहीं जाएगा सब नरक में जाएगा। लेकिन तो यही मुल्लाओं से पूछो वही बात कहेंगे, और राम उपासकों से पूछो तो यही तो लीला सबकी है, किसी गर्म किसी नरम। जो पुनर्जन्म नहीं मानते उनका थोड़ा सांप्रदायिकता गर्म रहती है, जो पुनर्जन्म मानते उनकी सांप्रदायिकता नरम रहती है। जो पुनर्जन्म नहीं मानते एक बार स्वर्ग और नरक मानते हैं, तो जो मानते हैं हमारे मत में वो स्वर्ग में जाएगा, दूसरे मत वाला नरक में जाएगा, चाहे दूध का धोया हो तो भी नरक में जाएगा। जो पुनर्जन्म मानते वो कहते हैं कि नहीं हमारे मत वाला स्वर्ग में जाएगा, मोक्ष में जाएगा, दूसरे मत वाला भी स्वर्ग में जा सकता है लेकिन मोक्ष नहीं पाएगा, मोक्ष तब पाएगा जब हमारे मत में आएगा, और किसी जन्म में हमारे मत में आए तो मोक्ष पा सकता है। तो पुनर्जन्म मानने वालों की सांप्रदायिकता नरम होती है, पुनर्जन्म न मानने वालों की सांप्रदायिकता गर्म होती है, लेकिन दोनों की सांप्रदायिकता ही है। स्वर्ग नरक तो अब बात है, बंद मोक्ष अपने मन की बात है, वो संप्रदाय की बात नहीं है। आप कबीर से जुड़े हैं कि राम से कि मोहम्मद से कि ईसा से, जिससे जुड़े हैं बहुत बड़े, मन निर्मल करें स्वर्ग है, मन मैला करें नरक है। ये महापुरुष बिचारे क्या करेंगे, उनके तो उपदेश भरे अच्छे अच्छे, उसका आचरण करें, नहीं करेंगे तो आप तकलीफ पाएंगे। ये विचार नहीं रखना चाहते सांप्रदायिक लोग, बस मोक्ष और स्वर्ग उनकी परंपरा की डिबिया में। वो कहानी आप जानते हैं कि समुद्र में पानी का उफान आया, समुद्र के तट पर एक कुआं था, तो एक मेढक जाके उसमें गिर पड़ा। कुआं के मेढक ने कहा तुम कहां से आए हो, कहे समुद्र से। कहे समुद्र क्या चीज है, कहे समुद्र बहुत बड़ा जलाशय। कहे कितना बड़ा है, कहे बहुत बड़ा है। तो कुआं का मेढक कूदा, 2 फीट पर गया, कहे इतना बड़ा होगा। अरे कहे यार बहुत बड़ा है। तो जोर से कूदा, 4 फीट पर गया, कहे इतना बड़ा होगा। उसने कहा तुम जीवन भर कूदते रहो समुद्र का पार न पाओगे। कहे गप्पी कहीं का, कुआं से बड़ा जलाशय तो कहीं होता ही नहीं, क्योंकि कुआं में जन्मा था, कुआं में जी रहा था और कुआं में उसको मरना है। ऐसे अपने अपने संप्रदाय में लोग जन्मते हैं, जीते और मरते हैं, दृष्टि अपनी ऐसी संकुचित कर लेते हैं कि हद है। और ये दोष सर्वत्र है, इस दोष का निराकरण होना चाहिए और सभी मत वाले इसका निराकरण करें। जब मैंने कबीर दर्शन लिखना शुरू किया, कलकत्ता में शुरू किया था, प्रेम प्रकाश जी यहाँ हैं विद्यमान, कॉपी मेरी देखी उन्होंने, तो कबीर साहब के विषय में जो कबीर पंथियों ने चमत्कार लगाया है उसका खंडन साफ है, देखा उन्होंने, कहा साहब आप कबीर दर्शन लिख रहे हैं कि कबीर खंडन लिख रहे हैं। तो मैंने कहा कबीर दर्शन लिख रहा हूं, कबीर ऐसे मानते थे, वो खुद जानते हैं। उन्होंने विनोद किया, कबीर कोई चमत्कार नहीं मानते, कबीर जैसा खरा तो बड़ा मुश्किल है, धन्य है वो, अत्यंत खरा कहे। तो सभी संप्रदाय वालों को चाहिए पहले अपने मत के आडंबर का खंडन करें। गोरखपुर के पास एक गांव में मेरा कार्यक्रम हुआ, 1982 शायद है वो, उस वर्ष है जब बिल्कुल घोर ठंडी पड़ रही थी, 3 बजे दिन में कहीं थोड़ा सा प्रकाश सूरज का निकलता था, उसी समय था, रात के समय में पंडाल पूरा खचाखच भरा था। मैं बोला, सब कुछ कहा, खंडन मंडन की बात भी कही, चमत्कार का खंडन किया,
मानवता, सदाचार, सब कुछ कहा जो बन सका। दूसरे दिन तीन बूढ़े पंडित मिलने आए, पंडित उस गांव में खूब है। मैंने कहा पंडितों कुछ प्रश्न? कहे महाराज प्रश्न तो क्या करूं, रात में हमारे सब प्रश्न बह गए, क्योंकि आपने जब कबीर के संबंध में लगाए गए चमत्कार का ही खंडन कर दिए तो हम लोग समझे कि ये व्यक्ति जो कहेगा सच कहेगा। अभी तक हम मानते थे कि हमारे शास्त्रों में जो लिखा है सच है, लेकिन रात के प्रवचन से लिखा हमारे शास्त्रों में भी त्रुटियां हैं। और वो हमें इसलिए ज्यादा विश्वास हुआ कि आप कबीर की महिमा का ही खंडन कर दिए जो गलत महिमा है। मेरा निवेदन है कि ऐसे सब करें, सत्य में कल्याण है। कितने ऐसे मत के साधु हमसे कहते हैं कि आप सारी खरी खरी बातें गृहस्थों के बीच में बता देते हैं, आप व्यवहारिक नहीं है। इसका मतलब गृहस्थों को गुमराह रखना चाहिए। मैं कहता हूं मैं सारी खरी खरी बातें बता देता हूं, और कहीं मैं गलत करूं तो मेरे भक्त बता सके कि देखो साहब आप ऐसा कहते हो, गलत कर रहे हैं, तो मैं सुधरूं। क्योंकि इस संसार में हम घपलाबाजी करके कुछ पा जाएं वो रहने वाला नहीं, और अनादि काल से जैसे मैं ठगाता आया हूं वैसे ठगा जाऊंगा। इस जीवन में ठगाना नहीं है, पूरी विजय करके चलना है। तो लोग अपने को धोखा देते हैं, और ये सब संप्रदाय बढ़ाने के लिए, धन के लिए, सम्मान के लिए, अहंकार प्रदर्शन के लिए, धर्म और अर्म तो इसमें गौड़ हो जाता है। तो शोषण सर्वत्र है, व्यापारी शोषण करते हैं, राजनेता शोषण करते हैं, धार्मिक लोग शोषण करते हैं, सब तरफ शोषण चलता है। सबको अपना अपना शोषण बंद करना चाहिए। परमात्मा, सगुण परमात्मा अगर है तो ये प्राणी है। मैंने परसों सरगुण की कर सेवा, निर्गुण का कर ज्ञान शायद कहा था। सगुण और निर्गुण, सगुण भगवान ये प्राणियों का समूह है, निर्गुण अंतरात्मा है, ये सब बैठे हैं। सगुण भगवान भगवती है, भगवान के दर्शन नहीं होते, रात दिन दर्शन होते हैं, जितने दर्शन होते सब भगवान है। जिनको हम देखते हैं भगवान नहीं मानना चाहते, और जिनको भगवान मानते उनको कभी देखते नहीं, ऐसा जीवन धोखे में जा रहा है। भगवान तो सामने है, कितनी सेवा कर पाओगे, करो, धोखा भर ना दो, सेवा सबकी हो जाएगी। धोखा देना अगर बंद सब कर दें, सबकी सेवा हो जाएगी। हम तो धोखा देने में पड़े, शोषण करने पड़े, नोचने में पड़े, दूसरे को बेवकूफ बनाने में पड़े, और बेवकूफ बनाने वाला महाबेवकूफ स्वयं होता है, क्योंकि अपनी अंतरात्मा को धोखा देता है। इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति और शक्ति नहीं है जो मुझे धोखा दे सके। अगर मुझे धोखा देने वाला कोई है तो स्वयं मैं हूं, मेरा अविवेक। बाहर से मेरी कोई छत नहीं कर सकता है, मेरी छत करने वाला मैं हूं, मैं अपने अविवेक से अपनी छत करता हूं। इसलिए स्वयं जगने की जरूरत है। प्रेम का बर्ताव, प्राणी पदार्थ परिस्थित, इन तीन के बीच में इंसान चलता है, और इनमें द्वंद आने के सर्वत्र चांस है। सहन, नम्रता, त्याग, संयम, शील से ही इसमें बच बच करके चला जा सकता है। पत्नी से गुर्राओगे तो वहीं दंड मिल जाएगा। पत्नी को छोटी करके मत मानो। एक सज्जन ने मुझे बताया था, खूब शिक्षित थे, पत्नी ने मुझे साहब चप्पल से मारा। उन्होंने कहा मेरी पत्नी ने मुझे चप्पल से मारा। पत्नी बहुत दिनों के बाद जब मुझसे मिलने आए, दोनों अच्छे स्तर के, उनकी पत्नी से मैंने पूछा इनसे आपका कैसे निपटता है। कहे महाराज कैसे निपटता है, इनसे ना निपटाऊं दूसरे संबंध को तो उससे भी हुई झंझट होगी, इसलिए इन्हीं से निपटा रही हूं। तो जिसके संबंध में इंसान रहता है
इस प्रकार की उलझन क्या जीवन है, खुश खुश रहो। एक देवी ने अपने पति को बहुत उल्टा पलटा कहा, बहुत खराब है। तब मैंने कहा कि भाई क्या खराब है। कहे महाराज गुस्सा उनको बहुत है। मैंने कहा कि जिससे उनको गुस्सा आए वैसा न बोलो, वैसा काम न करो। कि वाह साहब आप भी वही बात बता रहे हैं, गुलाम बन जाओ। मैंने कहा गुलाम बने बिना काम बन नहीं सकता है। हम स्वतंत्र हैं, स्वतंत्रता में परतंत्रता है, परतंत्रता में स्वतंत्रता। सड़क में चलें परतंत्र रहें बाएं चलें, हम स्वतंत्र दाएं चले चाहे बाएं चलें तो रगड़ जाएं। माँ बाप के परतंत्र रहें, गुरु के परतंत्र रहें, आपका कल्याण होगा। हाँ माँ बाप और गुरु गलत कहें तो ऐसा काम न करें, निवेदन कर दे पिताजी गुरुजी माँ जी ये बात ठीक नहीं, लेकिन तो भी उनके प्रति श्रद्धा रखें। आजकल श्रद्धा घट रही, पढ़ाई लिखाई बढ़ रही है, पढ़ाई लिखाई में गर्मी आती बिला वजह गर्मी। पढ़ाई लिखाई क्या है, सांकेतिक चिन्ह और काल्पनिक रूढ़ियां, सारी भाषाएं काल्पनिक रूढ़ियां, सारी लिपियां सांकेतिक चिन्ह, सारे ग्रंथ शब्दावलियां। इसको रट करके कोई बड़ा नहीं हो गया, इसको रट करके वस्तुओं को जानने जनाने की सुविधा हो जाती है बस। लेकिन चार अक्षर पढ़े और अहंकार बढ़ा, माँ बाप की बात लोग मानना छोड़ रहे हैं। लड़कियां मनमानी कर रही, प्रेम विवाह आजकल बहुत चला है, ये प्रेम विवाह रोग का घर है। माँ बाप भी देखें, लड़की लड़का भी देखें और विवेक करके सर्वसम्मत से विवाह करें। विवाह गृहस्थी में एक धर्म संस्कार है, मुख्य रीढ़ है उसकी। अब अगर उस रूही में कट हो गई वो रीढ़ तो जीवन भर वो खटकेगी और सुख नहीं रहे। बिना सर्वसम्मत के बिना विवेक के विवाह होगा। लड़की और लड़के विवाह में जुड़ते हैं तो दो परिवार ही नहीं, दो परिवार का लंबा संबंध जुड़ता है। नाना काका मामा फूफा कौन कौन, मामा के मामा। तो इस प्रकार दो परिवारों का एक दो परिवारों की एक लंबी श्रृंखला जुड़ती। और अगर विवाह में समरसता नहीं, समता नहीं, समझ बूझ करके नहीं, तो कटे कटे मियाँ बीबी अपना अहंकारी बने बैठे और मियाँ बीबी भी अंत में वो कटुता के घर हो जाते हैं। जवानी में जवानी की लालित कितने दिन का है, जवानी में एक दूसरे के शरीर को देख करके आकर्षित होते हैं, ये चमक दमक बहुत क्षणिक है। जिस स्त्री या पुरुष को देख करके स्वर्ग की कल्पना होती है उसी पत्नी में आगे एक दूसरे को देख करके नरक की कल्पना करते, देखना नहीं चाहते। और इस प्रकार आपात रमणीय वस्तुओं को देख करके पागल होने का परिणाम अंत में रोना। तो शिक्षा बढ़ रही है लेकिन दुख बढ़ रहा। टीबी ने भयंकर रोग पैदा किया, इतना विकार पैदा किया। केबल टीबी ने तो और भयंकर नुकसान किया। जितना इसका विस्तार होता जाएगा उतना ही आदमी की नैतिकता का पतन होता जाएगा। और बूढ़े बूढ़े लोग सुनता हूं देखते रहते हैं एक एक बजे तक, और जवानों की तो लीला ही अलग है। एक शहर में था, लोग बैठे थे, जवान भी थे 50-60 वर्ष के भी लोग थे। कहे महाराज 6-8 घंटा समय पिछड़ गया। हम लोग करीब करीब 2-3 बजे सोते हैं और करीब 9 बजे उठते हैं दिन में। तो ये सब स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अहितकर है। शाम को जल्दी खाना चाहिए, खाने और सोने में समय होना चाहिए, अंतर होना चाहिए, कम से कम 2 घंटे का समय हो तो बढ़िया। और बन सके तो 9-10 तक सो जाना चाहिए, 10 तक तो सो ही जाना चाहिए, बन सके 9 तक सो जाना चाहिए। सुबह जल्दी जगना चाहिए, 6 घंटे तो सोना चाहिए इंसान को जो मेहनती है।
लेकिन वो सब बिगड़ रहा है, खान पान बिगड़ रहा है। अब तो पंडित कहलाने वालों में शराब और मुर्गी कंडे और मुर्गा इतना बढ़ रहा है ब्राह्मण नामधारियों में कि हद। बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में जिसमें ब्राह्मण कितने प्रोफेसर हैं, बहुत विकृति आ रही है। शराब इतना इतनी सरल होती जा रही है कि क्या कहा जाए। इसीलिए धन बढ़ रहा है और सुविधाएं बढ़ रही हैं और मनुष्य का चित्त विकार ग्रस्त होता चला जा रहा है, अशांत, पीड़ित, उद्वेगित। तो व्यवहार बढ़िया नहीं है, सुंदर व्यवहार होना चाहिए। आप अपने घर को स्वर्ग मानो और घर के सदस्यों को देवी देवता भगवान भगवती मानो, उनके साथ सुंदर बर्ताव करो, सूखी रोटी और नमक खाओ लेकिन आपस में प्रेम से हो तो घर स्वर्ग, और मेवे मलाई हैं और प्रेम नहीं है तो घर नरक है। और ये भी ध्यान दो कि मेवे मलाई कोई बहुत बढ़िया चीज नहीं है, भोजन में बढ़िया चीज है अन्न पानी योग। साहब ने कहा अन्न को पानी में, सब्जी को पानी में पका के खा लो बस। भारतवर्ष वालों की जीभ, हमारे भारतवर्ष के लोगों की जीभ बड़ी लंबी लंबी है। इन भरतवंशियों को सब्जी दी जाए अगर वो जीभ पर रखें और जीभ ना ऐठ जाए तो सब्जी नहीं। जब एक जर्मन लड़की आई काशी में, मेरा भोजन उसने किया तो उसने कहा कि इंडिया में जब से आई हूँ आज मुझे संतोषप्रद भोजन लगा। मेरे यहाँ के भोजन में नमक हल्का सा पड़ता है और मसाला जीरा धनिया हल्दी, गरम मसाला नहीं, मिर्च नहीं। अब इस समय तो मिर्च थोड़ा ला दिए होंगे, पूरे समाज के लिए थोड़ा छोड़ते होंगे, लेकिन हम लोगों का तब भी अलग बनता है, उसमें मिर्चा नहीं रहता, बारहों महीने कभी मिर्चा नहीं रहता। मैं तो थोड़ा और उबाल करके खाता हूँ, पानी में उबली सब्जी और सूखी रोटी, नमक वाला भी खा लेता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं कि न खाऊं, कोई परहेज नहीं है क्योंकि अभी शरीर में कोई रोग नहीं, परंतु ज़्यादा उबली सब्जी और सूखी रोटी ही खाता हूँ, दाल का जूस पी लेता हूँ बस। बहुत बढ़िया, ये शिकायत मेरे लिए बहुत है, आप दुबले बहुत हो गए, शिकायतें खूब आ रही मेरे लिए। अभी कल शिकायत आई, एक अध्यापिका ने शायद यहाँ बैठी भी हो, हमारे साधु से कहा कि आप लोग क्या सेवा करते हैं, साहब दुबलाते चले जा रहे हैं, और मैं पिस्ता बादाम ले आऊँ और घिस करके दूध में पिलाया करो। तो उसने कहा साहब दूध ही नहीं पी रहे हैं। तब फिर क्या होगा। तो ये विश्वास कि दूध पीने से स्वास्थ्य बढ़िया होगा, घी खाने से होगा, मेवे से होगा, भ्रम। जल्दी पचने वाला भोजन होना चाहिए, सादा, कड़ी भूख लगने पर खाओ और संतुलित खाओ, जम करके न खाओ, पेट साफ रहेगा, टट्टी साफ होगी, ताजगी रहेगी, मांस और चर्बी ज्यादा नहीं बढ़ेगा लेकिन स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा और स्फूर्ति रहेगी, ताकत रहेगी, सब कुछ बढ़िया रहेगा। चर्बी और मांस, गांधी जी कहते थे आपके शरीर में ज्यादा चर्बी है इसका मतलब आप जो अतिरिक्त खाते हैं उसी का फल वो है, वो अतिरिक्त खाना छोड़ दीजिए। तो कुछ सादा गोदा मिल जाए खाने के लिए, सोने की जगह मिल जाए, थोड़ा तन ढकने के लिए वस्त्र मिल जाए, दुनिया काम हो गया। अब जिसके लिए आए हो वो काम करो, ये मानव जीवन में किसके लिए आए हो, परम शांत निर्भय जीवन, सुखी जीवन बिताने के लिए। आप क्या चाहते हैं, आपके सामने भय न आए, कष्ट न आए, कोई पीड़ा ना आए, कोई संताप ना आए, लेकिन इस शरीर में रह करके ऐसा संभव है, शरीर में रोग लग सकता है, हमारा प्रिय व्यक्ति हमारे सामने बिछुड़ सकता है, रात दिन होता है, व्यापार में घाटा हो सकता है, खेती का नुकसान हो सकता है, बाढ़ बूढ़ा से हो जाता, भूचाल से हो जाता है, अपमान हो सकता है,
आप अपमान अपमान वाला काम नहीं किए, लेकिन अपमान हो सकता है, ऐसे लोग हो सकते हैं अपमान करें। शरीर में परिवर्तन है, उसको कोई रोक नहीं सकता है, इन सबको कौन रोक सकता है? लेकिन इन स्थितियों में हो करके भी आप बिल्कुल सुखी रह सकते हैं अपने मन पर विजय करने पर। जब इंद्रियों पर हम विजय कर लेंगे, मन पर विजय कर लेंगे, भोगों की लालसाएं छोड़ देंगे, पहले तो भोगों की लालसाएं कम करो, जितना भोगों पर विजय होती जाएगी जितनी इंद्रिय लंपटता और मन की लंपटता खत्म होती जाएगी, उतना दुख खत्म होता जाएगा। दुनिया क्या है, वियोग में पीड़ित होने की क्या जरूरत है? कोई नई बात है? एक साधिका आई मेरे पास, वो गृहस्थ रहते हुए साधिका थी, उसका पति मर गया था। मैंने कुशल पूछा, भावुक होने लगी। मैंने कहा भावुक मत हो, भावुक होगी तो तुम्हारा पति जी करके खड़ा नहीं हो जाएगा, जो है सो है, गया सो गया, भावुक मत हो। फिर स्थिर हो गई। मैंने कहा था तो रोना शुरू कर देती, लेकिन बिल्कुल स्थिर हो गई। लोग तो रोते और रुलाते हैं, किसी के अगर छोटा बच्चा मर गया तो ये देवियां आकर के कहेंगी अरे बहनी रो ना, दुनिया झूठ है, कुछ है धारा। लेकिन क्या कहें, वो लड़की की आंखें तो जैसे आम की फांक, बस फिर जोर से रो। तो कहे बहनी कुछ दुनिया में धारा है, सब झूठ है। लेकिन बच्चवा तो बोलता था टाएं टाएं, तो उलट पलट करके ये गड़बड़ मास्टर लोग दुख देते हैं। जो गया वो लौट नहीं सकता है, ऐसी बात न करो कि आदमी को दुख उत्पन्न हो। हरदम तो मन है देह पर, बाल बच्चे पर, धन दौलत पर, मकान पर, मठे आश्रम हो, साधु हो, अगर मठे आश्रम पर मन है, चेला चाटी में मन है, वो भी गृहस्थ की तरह मोही हो जाएंगे। नियम सब पर बराबर है, दृष्टि होना चाहिए आत्मा पर। आत्मा सूक्ष्म है, शुद्ध बुद्ध निर्मल है, वो आप है। उसके लिए सत्संग कीजिए, समझिए, अध्ययन कीजिए, अपने तरफ लौटिए। पानी में मीन प्यासी में सुन सुनियावत हांसी, पानी में मछली और प्यासी सुन सुन करके मुझे हंसी लगती है। परमात्मा में हम हैं और परमात्मा के लिए प्यासे हैं। परमात्मा का अर्थ क्या, आत्मा से अलग कोई परमात्मा होता है? प्रेत आत्मा, दुष्ट आत्मा, शुद्ध आत्मा, महात्मा, परमात्मा, ये सब के मूल में आत्मा। प्रेत आत्मा वह आत्मा जो चला गया, प्रेत का अर्थ हुआ होता है जो गया हुआ है। दुष्ट आत्मा जो खराब स्वभाव का है, शुद्ध आत्मा जो अच्छे स्वभाव का है, महात्मा जो इंद्रिय जयी, परमात्मा जो गुणातीत है। आत्मा क्षेत्र गितुक्ता संयुक्ता प्राकृत गुण तैरे तु विनिर्मुक्ता परमात्मे तु दाहिरता है। ये महाभारत में सामान्य जीव देहधारी आत्मा, और सारे विकारों से जब मुक्त हो गया बस वही परमात्मा। परमात्मा आत्मा की एक स्थित है, न कि आत्मा से परमात्मा कोई अलग वस्तु है। और अलग वस्तु है तो आपको मिल नहीं सकती है, और मिल भी जाए तो छूट जाएगी, ये प्राकृतिक विधान है। मिली हुई वस्तु छूटती है, अगर परमात्मा अलग है और मिलेगा तो छूटेगा। परमात्मा मिलना नहीं है और छूटना नहीं, वो बिछुड़ा ही नहीं है, वो तो आपका अंतरात्मा, आपका स्वरूप है, आपका होना है, आपका अस्तित्व है। अपनी तरफ झांकें, अपनी तरफ लौटें। परांच खान वितरित स्वयंभू तस्मात परांग पश्यत नांतरात्मन कश्चित धीरा प्रतिज्ञात्मान में इच्छतावृत चक्षु अमृतत्व मिच्छन। यमाचार्य ने कठ उपनिषद में नचकेता को समझाते हुए कहा, परांच खान वितरित स्वयंभू, प्रकृति ने
हमारी इंद्रियों को फोड़ फोड़ करके बाहर निकाला है। वितरणत फोड़ना, खान छेद, परांच बाहर, इंद्रिय रूपी छेदों को फोड़ फोड़ करके प्रकृति के विधान ने बाहर निकाला है। क्योंकि देखना बाहर है, सुनना बाहर है, छूना बाहर है, सूंघना बाहर है, चीखना बाहर है, इसलिए वो ठीक है, प्राकृतिक है। लेकिन इसीलिए आदमी का मन बहिर्मुख है। परांच खान विद्रंत स्वयंभू तस्मात, इसलिए परांग पश्यत, आदमी बाहर देखता है, नांतरात्मन, अंतरात्मा को नहीं देखता है। कश्चित धीरा, कश्चित कोई धीरा विवेकवान पुरुष अंतरात्मा को देखता है। आवृत चक्षु अमृतत्व मिच्छन, अमरता की इच्छा लेकर, शांत की इच्छा लेकर, अपनी इंद्रियों को समेट कर अंतरात्मा को देखता है, देखने वाले को देखता है। समाधि जीवन का सच्चा सुख है। समाधि में पहुंच जाने पर भय खत्म है। ये इंद्रिय और मन से प्रतीतमान सारा जगत अपने क्षेत्र में परिवर्तनशील होते हुए भी पदार्थ है, झूठ नहीं, परिवर्तनशील है, लेकिन अंततः छूट जाने वाला है। मैं बोल रहा हूं यही मेरा शरीर छूट गया, तो आश्रम ही नहीं, पूरा भूमंडल और पूरा संसार मेरे लिए सदा के लिए गायब। ऐसे संसार में हम बैठे और ऐसे संसार में बैठकर अपना मन दुनिया की किसी वस्तु में बांध देना, इससे अधिक बेवकूफी और कुछ हो सकती है? और कठोर शब्द कहो तो मूर्खता। इससे कौन मूर्खता अधिक होगी? जो अचानक छोड़ देना, शरीर छुटा और सब गया, ऐसे जगत में हम बैठे, अब ऐसे होता है, बड़ों बड़ों का होता, छोटों छोटों का होता, कोई बचता नहीं। जिस संसार में हम बैठे हैं, जिन प्राणी पदार्थ परिस्थितियों में बैठे हैं, वहां मेरा एक कण नहीं। यह बात जिसको निरंतर झलकती है, वो कृतार्थात्मा, जीवन मुक्त है। उसको शोक नहीं, भय नहीं, चिंता नहीं, पीड़ा नहीं। क्या छूटेगा? नंगा नाचे फाटे काव, ये अवध क्षेत्र की कहावत है। मेरा शरीर अवध क्षेत्र में जन्मा है, इसलिए वहां की कहावतें मुझे याद है। नंगा नाचे फाटे काव, नंगा अगर आदमी है और नाचता है तो क्या फटेगा? कपड़ा ही नहीं पहने हैं। जिसने दृढ़ता से समझ लिया और जीवन में चरितार्थता हो गई, चरितार्थता का अर्थ है निरंतर दृष्टि में झलक है, सब समय एहसास रहे इस संसार में मेरा कहीं कुछ नहीं, उसको शोक मोह कुछ नहीं। अब आप कह सकते हैं ऐसा आदमी निकम्मा हो जाए, काम नहीं करेगा फिर, ये बड़ा भ्रम है। ज्ञानी यही बात समझे और जीवन भर समाज की सेवा किए। कबीर साहब 119 वर्ष और कुछ महीने तक इस धरती तल पर रहे, जैसा कि लिखा पड़ा है, और जीवन भर वे घूमते रहे, उपदेश करते रहे, समाज सेवा करते रहे। अंतिम उन्होंने इनकलाब किया था, काशी से मगहर की यात्रा, जीवन तो उनका इनकलाब था, काशी उनका हेड ऑफिस, देश विदेश से हों फिरा साहेब ने कहा है, लेकिन अंत में काशी आते थे, रहते थे, जहां रहते थे उसी को आजकल कभी चौरा मठ कहते हैं। काशी में ये भ्रम फैलाया गया कि काशी में जो मरेगा वो मुक्त होगा और मगहर में मरेगा वो गधा होगा। मगहर की तरफ बौद्धों का अवशेष था, कबीर साहब ने घोषणा की जब उनका शरीर 119 वर्ष का हुआ कि मैं काशी छोड़ के मगहर जाऊंगा, तो काशी में एक हलचल हो गई। कबीर साहब तब तो बहुत श्रद्धेय हो गए थे, कबीर साहब अपनी थोड़ी उम्र में पूरे उत्तरी भारत में गूंज गए थे। जब शायद है
1981 सन 1981 के अधिवेशन में प्रयाग विश्वविद्यालय के दर्शन विभाग अध्यक्ष संगमलाल पांडे आए थे। मैं अभी सोच रहा था कि संगमलाल पांडे को अब बुलाऊं, तो हमारे एक मित्र ने कहा कि उनका शरीर अभी एक महीना हुआ छूट गया, बूढ़े हो गए थे, तो अच्छे विद्वान थे। तो उन्होंने कहा कि आज का युग टेलीविजन, अखबार, पत्रिका, इश्तिहार सब कुछ का है। हम लोग अपना नाम ये सब में फैला करके बहुत परिश्रम करते हैं नाम फैल जाए, लेकिन एक जिला में प्रसिद्ध नहीं होते। और कबीर ऐसे फक्कड़ संत जो कुछ चाहते ही नहीं थे अपने नाम रूप के लिए, और उस जमाने में आज से 500-600 वर्ष पूर्व अपनी नौजवानी ही में पूरे उत्तरी भारत में गूंज गए थे। ये आश्चर्य होता है। तो कबीर साहब तो उस समय बहुत श्रद्धे, पहले जब उन्होंने क्रांतिकारी बातें कही होगी तो निश्चित है पुरोहित वर्ग नाखुश हुआ होगा, लेकिन जबकि बात बताई जाती है वो तो थोड़े दिन में समाधान हो गया था। तो जो लोग कहते काशी से घबरा के गए वे समझते नहीं, काशी के मैथिली पंडितों ने जाकर के कबीर साहब से कहा, काशी में आज भी मैथिली पंडितों की सभा है, उत्तरी बिहार मैथिली पंडित बड़े विद्वान आज भी होते हैं, सर्वदर्शन कानन पंचानन वाचस्पत मिश्र ये मिथिला के ही थे, जो शंकराचार्य के वेदांत भाष्य पर जिन्होंने भाष्य लिखा तब उत्तरी पंडितों ने स्वीकारा, क्योंकि दक्षिणी पंडितों के लिए उत्तरी पंडितों के मन में वैसे ही बहुत कम श्रद्धा, दक्षिण वाले कोई पंडित हो सकते हैं, ये अहंकार है, दक्षिण पूरब कुछ नहीं, जो विद्वान वही पंडित है, लेकिन उत्तरी पंडितों का अपना गर्व। शंकराचार्य के भाष्य को उतना महत्व ये लोग नहीं दे रहे थे। जब वाचस्पत मिश्र ने शंकर के भाष्य पर भाष्य लिखा तब यहां के पंडितों में गूंज हुई, वो मैथिली पंडित ही थे। न्याय दर्शन का उदय उधर ही हुआ है, तर्क शास्त्र की संपन्नता उत्तरी बिहार में ही। मैथिली पंडितों ने आकर के साहब से कहा आप बहुत भोले हैं साहब, शायद वो बहुत लगे थे, निकट का संबंध रहा होगा, प्रेम ज्यादा रहा होगा, कहे महाराज आप बहुत भोले, मुक्ति धाम काशी छोड़ करके आप जा रहे हैं, मगर जहां आदमी मर के गधा होता है आप बहुत भोले। तो साहब ने कहा लोगा तुम ही मत के भोरा, वे तो आश कवि थे, समझाए और एक कविता कह दिए। बीजक में शब्द प्रकरण में 103वां शब्द है, लोगा तुम ही मत के भोरा, जो पानी पानी मिल गयो त्यों धुर मिला कबीरा, जो मैथिल को सांचा व्यास, तोहर मरण होए मगहर पास, मगहर मरे मरे नहीं पावे, अंते मरे तो राम ल जावे, मगहर मरे सो गधा होए, भल प्रतीत राम सो खोए, क्या काशी क्या मगहर ऊसर, जो पे हृदय राम बसे मोरा, जो काशी तंत जे कबीरा, तो राम ही को कौन निहोरा, लोगा तुम ही मत के भोरा। ऐ पंडित लोगों तुम ही भोले हो, मैं भोला नहीं, जो पानी पानी मिल गयु त्यों धुर मिला कबीरा। कबीर तो धुर नाम पक्का, कबीर तो पक्का राम में ऐसा मिल गया जैसे पानी में पानी मिल जाए, पानी में पानी मिल जाएगा तो उसको अलग कर पाओगे, कबीर राम में इसी ढंग से मिल गया। ये तो कहानी कहावत जो होती है, उदाहरण होता है, वो एक अंश में होता है,